हेलो गाइस, वेलकम टू टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर जो था वो खत्म हो चुका है। हमने अब तक दो चैप्टर कवर कर लिए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। औसत औसत क्या होता है कि जितने भी आपके इवेंट्स है, मतलब इवेंट्स मतलब जितनी भी घटनाएं हुई है उन सब का सम करके और जितनी बार वो घटनाएं हुई है उससे आप भाग दे दोगे तो औसत हो जाएगा। औसत क्या होता है? वी टोटल सम ऑफ टर्म्स, उसको जब आप नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? औसत बन जाएगा। औसत बन जाएगा सर। औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब यह है कि जैसे किसी दिन मान लो सचिन तेंदुलकर ने शतक मारा, किसी दिन साहब 90 बनाए, किसी दिन 50 बनाए, किसी दिन जीरो पे आउट हो गए, तो इनका एक एवरेज आंकड़ा कितना है कि भाई इतने तो सचिन तेंदुलकर मतलब मारता ही है। ये एवरेज का मतलब ये नहीं है कि वो आके इतने जरूर मारेगा कि भाई अगर सचिन का एवरेज 46 है तो वो आएगा तो 46 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि किसी दिन सचिन ने अपनी पारियों में 100 मारे, किसी दिन जीरो पे आउट हुआ, किसी दिन 99 मारे, किसी दिन 50 मारे, तो ये जो 99 50 ये सब है ना, ये तो हो गए हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4, ऐसे कितनी पारियों की बात हो रही है? जैसे 10 पारियों की बात हो रही है और उनमें उसने कुल कितने रन बनाए, मान लो 600 रन बनाए 10 पारियों में, उसको जब आप 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये होता है एवरेज को निकालने का तरीका। अब एवरेज को कैसे और कैसे निकालते हैं, देखो जैसे एवरेज में मैंने बात करी 1 3 5 7 9 12 11 और 11 तक ले लो। चलो देखो ये अब इसमें क्या होता है सर, टोटल घटनाएं कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 और 6 है। तो एवरेज निकालने के एक तरीके देखो, तरीके कितने हैं एवरेज निकालने का? एक तरीका तो यह है कि मैं इन सबको जोड़ूं, इन सबको क्या करूं भाई, सबको जोड़ूं। सबको जोड़ा उसके बाद में कितना हुआ? देखो 5 और 4 9 और 7 16 और 9 25 25 और ये हो गया 36, ठीक है? ये हो गया कितना सम? 36। इस 36 को ये कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से भाग दिया तो कितना आ गया भाई? 6। एक तरीका तो एवरेज निकालने का ये है, ठीक है? अब देखो दूसरा तरीका क्या है भाई एवरेज निकालने का? दूसरा तरीका क्या है, उसको एज अ फॉर्मूला भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़कर 2 से भाग दे दो आप, ठीक है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर आप 2 से भाग दे दो। इसमें क्या होगा देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है भाई? 1। लास्ट टर्म कितनी है? 11। 1 और 11 को जोड़कर 2 से भाग दोगे तो कितना होगा? 12/2, मतलब कि कितना? 6। समझ में आया? 1 और 11 को जोड़कर 2 से भाग दिया, कितना हो गया? 6। ये हो गया एवरेज निकालने का तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है, ऑड नंबर्स के अंदर जब उनका गैप बराबर हो तो हम सबसे मिडल वाला जो नंबर है उसको एज एवरेज ले सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर यहां पर 11 दे रखा है, ठीक है, अगर यहां पर 11 नहीं होता तो इनका एवरेज कितना हो जाता भाई? सीधा 5 हो जाता। करके देख लो, 9 और 1 10, 10/2 कितना? 5। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो देखो 5 और 4 9 और 9 18 और 9 27, और टर्म्स कितनी है भाई? 5। जोड़ में गलत हुआ है कहीं पे? 5 और 4 9 9 और 9 18 और 7 कितना? 25, और 25/5 कितना? 5। ये हो गया बीच वाली टर्म। अब बोला कि सर 11 और आ गया तब हम क्या करेंगे, तो देखो एक तरीका तो सबको जोड़कर 6 से भाग दे दो, दूसरा तरीका क्या पहली और आखिरी को जोड़कर भाग दे दो, तीसरा तरीका क्या आपको पता चला कि भाई ये दोनों जो क्या है ये बीच की टर्म्स है, ये दोनों क्या है बीच की टर्म्स है, तो आप इन दोनों का भी एवरेज ले सकते हो। जो बीच की दो का एवरेज होगा वही उन सब का एवरेज होगा। कैसे? कि 7 + 5 कितना भाई? 7 + 5/2 किया, 7 और 5 12/2 कितना? 6। देख लो एवरेज 6 चल रहा है, एवरेज 6 आ रहा है। ये तरीका भी हो गया। एक तरीका और है, वो तरीका कब काम आता है? जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो, बड़े बड़े नंबर्स हो उनके अंदर उस तरीके को हम काम में ले सकते हैं। जैसे उसको मैं अगले सवाल के अंदर बताता हूं,
पहले आप इसको आराम से पढ़ना, इसको पॉज करके उतार लेना, नोट्स बनाते हुए चलना, मैंने आपको पहले दिन से बोला। और जब चैप्टर शुरू हुआ है, मेरी पहली और आखिरी क्लास जो होती है किसी भी चैप्टर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये मान के चलना। तो ये देखो, ये सम ऑफ टर्म्स और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स जो है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये तो हमने बहुत जब छोटे थे तब से पढ़ के आ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, अगले तरीके में जो मैंने आपको अलग से तरीका बताने का बोला है, नंबर लिए मैंने 40, 45, 42, 46 और मान लो कितने 57। ये मैंने नंबर ले लिए 5। अब इनका एवरेज करना है, तो एवरेज में मैं क्या करूंगा, एवरेज में देखो या तो इन सबको मैं जोड़ू, या तो इन सबको मैं जोड़ूं और उसके बाद में किसका भाग दूं, 5 का भाग दूं, या तो ये तरीका मैं कर सकता हूं, या फिर मैं क्या करूं, मेरे को लगा कि यार मैं इन सबको जोड़ूंगा और फिर 5 से भाग दूंगा तो बहुत मुश्किल होगी मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि साहब इनका जो एवरेज है ना, एक बात सोचो कि ये सारे नंबर 40 से बड़े हैं, अगर ये सारे नंबर 40 से बड़े हैं तो इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज 40 से बड़ा होने वाला है, ठीक है। इनका एवरेज कितना होगा, 40 से बड़ा होने वाला है। तो मैंने कहा कि 40 तो एवरेज है ही है, उसके अलावा अब जो भी खेल है उसके बाद में खेलना है, उसके बाद में क्या करना, देखो 40 मेरा एवरेज अलग कर लिया, उसके बाद में बाकी वाले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 बटा 20 और 1 ये कितना हो गया। पहले आप एक बार इनका टोटल करके निकाल लो आपको, ताकि मैं बता दूं कि ये जो मेथड है ये चेक कर सको आप, 40 कितने है, 1 2 3 और 4, यानी 160, 160 और 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 6 20, यानी कि 180 हो गए, ये 180 बटा नंबर कितने है, 1 2 3 4 और 5 बटा में 5, 5 से भाग दिया तो कितना आया भाई, अरे इनमें जोड़ करो 40, 1 2 3 4, यानी 160, 160 और ये हो गया 210, 210 और ऊपर वाले ये नंबर 20, 210 और ऊपर वाले नंबर क्या है 20, तो ये हो गए 230, सम जो है 180 नहीं है 230 है, बटा में 5, तो 5 चौक 20 और ये आ गया कितना 46, ये आ गया कितना 46। अब देखो अब हम कैसे करेंगे इसके अंदर, इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, सम कितना आ रहा, देखो ये 40 तो अलग हो गया, ये 5, ये 2, अब ये 40 से नंबर कितने ज्यादा वो एक्स्ट्रा लिख लो, ये 6 और ये कितना, ये कितना भाई, ये 17। अब इनका टोटल देखो कितना होता है, 17 और 5 कितना 22, 22 और 6 28 और 2 30, ये हो गया कितना, बटा के अंदर आ गया, बटा के अंदर कितना लिखूंगा भाई, टर्म्स कितनी है 5 है, टर्म्स कितनी है 5, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ दिया तो दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे 4 लिखोगे एवरेज बदल जाएगा, ये नहीं करना है। तो 5 और 2 7, 17 और 7 कितना हो गया, 17 और 7 24, 24 और 6 30, तो 30 बटा 5, 30 बटा 5, तो ये कितना हो गया भाई 40 प्लस 6 बराबर 46, ये एवरेज का तरीका है। इसमें क्या करोगे, सारों को जोड़ना पड़ेगा, आप क्या करो सबको मत जोड़ो, 40 एक साथ अलग कर दिया, उसके बाद में बाकी सबको जोड़ लो, यहां पर एक जीरो लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि हमें जो है वो टर्म्स कितनी लेनी है भाई, 5 टर्म्स लेनी है, कोई यहां पर 4 ना ले, क्योंकि 4 लेते यहां से क्या होगा एवरेज बदल जाएगा। उसका मतलब क्या है कि आप इस 40 को तो गिन ही नहीं रहे, जबकि एवरेज में तो ये भी योगदान दे रहा है ना, तो अगर इसको लोगे तो फिर गलती हो जाएगी। तो ये था तरीका, अब हम इस पे कुछ टेक्निकलिटीज को जो है वो डिस्कस कर लेंगे, कि जैसे सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेंगे हम। जैसे अच्छा आप लोगों ने एपी पढ़ रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, उनको आप याद रख लो, चैप्टर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, बट वो फॉर्मूले जो है वो याद होने जरूरी है। उनमें देखो एक तो सम का फॉर्मूला याद होना जरूरी है, n by 2 a plus 2a plus n minus 1 d, एक तो ये फॉर्मूला है, और एक टर्म्स का फॉर्मूला क्या है भाई, a plus n minus 1 d, ये इसको an का फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूले याद इसलिए रखने, इनका उपयोग नहीं होगा बट कभी आप फंस जाओ ना तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जिनके मैथ्स थी उन लोगों को तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे, बहुत ईजी है, ये इतना बड़ा बड़ा सा लिख रहा है, ये लिखा रखा है, ये कुछ नहीं है, देखो ये अभी बताऊंगा कैसे करना है इसमें भी। जैसे मान लो कि
टर्म्स है 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 टर्म्स है। इनमें ए जो है ना, ये हो जाएगी पहली टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने भाई, 1, 2, 3, 4 और 5, तो एन कितना हो गया 5। और डी क्या है, डी इनके बीच का अंतर है, अंतर कितना चल रहा है 2 और 2, 4 में 2 का अंतर, 4 और 2, 6 में 2 का अंतर, तो डी कितना है 2 का अंतर। तो यहां से मैं ये निकाल सकता हूं कि ये कितने टर्म्स है भाई, 5 है। और मुझे अगर निकालना हो कि सर ये 5 है, मुझे चाहिए 10वीं टर्म, तो क्या करो आप, ए 10वीं टर्म क्या होगी, 2 प्लस एन कितना है भाई, इस बार अब हमें 10 लेना है, 10 माइनस 1, और डी मतलब क्या, अंतर यानी 2। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस ये 9 दूनी 18 और 2 20, और देख लो 10वीं टर्म क्या होगी, 20 होगी, होगी ना। तो बस यही चीज है, और इसी चीज इन्हीं चीजों को इसमें रखोगे तो उन सबका टोटल आ जाएगा। तो ये काम हमें करना है। अब देखो इसमें क्या करना है, अलग से औसत में ये कैसे काम आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि हम औसत के अंदर अगला पड़ाव में क्या करने वाले हैं। जैसे बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर बोल रहा है, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। अब उन सबको जोड़कर भाग देने वाला सिस्टम तो खत्म हो गया, क्योंकि इतनों को कब हम जोड़ेंगे और इतना कब हम भाग देंगे, तो ये नहीं करना है। अब देखो क्या करना, नेचुरल नंबर पता है ना, जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 ऐसे शुरू होती है, और पूर्ण सारी संख्या क्या होती है, होल नंबर्स क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये नेचुरल नंबर्स और ये सब पता होने चाहिए, कौन कौन से नंबर होते हैं। नंबर सिस्टम की क्लास में मैं आपको ये सारे बता दूंगा, बस आप वीडियो देखते रहिए, आपको सारी चीजें इसी चैनल पे सारी एक जगह मिल जाएगी। अब देखो क्या करना है, 1, 2, 3 ऐसे करते करते हम कहां तक गए भाई, 48 गुण 50 और 50, यहां तक हमें औसत निकालना है। पहले 50 नेचुरल संख्याएं यही हो गई ना। अब देखो क्या करना है इसमें, एक तो फॉर्मूला क्या है भाई, एक फॉर्मूला इनका ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, ये इनके किसका फॉर्मूला है भाई, ये इनके योग का फॉर्मूला है, योग का, योग मतलब कि सम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेंगे हम, n इंटू n प्लस 1/2। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का आप योग बता दो, तो आपको क्या करना है, सीधा n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहीं से आया है, ठीक है, ये फॉर्मूला यहीं से आया है, समझाऊंगा किसी और दिन चैप्टर के अंदर, फिलहाल हम एवरेज की बात कर लेते हैं, वरना ये एवरेज के लेक्चर्स बहुत ज्यादा चले जाएंगे, और इतना बड़ा ये चैप्टर है भी नहीं जितना लोग इससे डरते हैं या इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो n कितना है भाई, कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं, और 51 क्योंकि एक ज्यादा, n प्लस 1/2, 2 से इसको काटा कितना आया 25, और 25 एकम 25 का 5 ऊपर गया, 2 25 5 125, और ये कितना हो गया 127 1275, ये तो इनका योग हो गया, ये तो इनका क्या हो गया, योग। अब हमें औसत जब निकालना था तो हमने क्या देखा था कि भाई सबका योग जो है वो कितने नंबर है उससे भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, योग आ गया। अब ये बताओ कि ये नंबर कितने थे भाई, ये नंबर थे 50, अब इसमें 50 का भाग दे दो, 50 का भाग दे दो इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा एवरेज, 25.5 एवरेज आ जाएगा, 25.5। अब एक बात सोचो, योग का फॉर्मूला क्या था भाई, n n प्लस 1/2, ये योग का फॉर्मूला था, इसको एवरेज का बनाने के लिए हमने बटा में कितने नंबर है उससे गुणा किया, तो n से n कट गया, तो हम आगे जाके पीछे क्यों आ रहे हैं भाई, हम जब आगे चले गए तो पीछे क्यों, एक बार आगे बढ़ गए फिर पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है, आगे बढ़ने के बाद पीछे क्या देखना। तो यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था, n प्लस 1 बटा 2। अच्छा n प्लस 1 बटा 2 कब आएगा, जब ये नेचुरल नंबर और इन सब की बात हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करो, और अपना सेम फॉर्मूला क्या था, पहले और आखिरी को जोड़ो, यानी पहला हो गया 50, आखिरी हो गया 1, उसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 51/2। 51/2 क्या होता है, 25.5, समझ गए,
51 बटा 2 हो गया 25.5, और यही तो औसत यहाँ से आ रहा था भाई। आएगा क्यों नहीं? अब ये लोग क्या करते हैं कोचिंग में, बता देते हैं साहब जादू है, ऐसे है वैसे, ये मेथड फलाना मेथड, कुछ नहीं करना है। बेसिक पे टिके रहोगे तो आप अपनी खुद की ट्रिकें बना लोगे, नहीं तो दूसरों की ट्रिकें 4 दिन याद रहती है, एग्जाम के अंदर आप भूल जाते हो कि कौन सी ट्रिकें कहाँ पे लगानी है, और फिर वो ट्रिक नहीं लगती एग्जाम में, आपको बताइए आगे। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, अब थोड़ा थोड़ा ये सवालों में हम ट्विस्ट करेंगे। आपको अपनी आदत, इस चैनल की आदत पता ही है, हर एक उसके बाद क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, उसके बाद में उस मेथड को अडेप्ट करते हैं, और फिर जो दिक्कतें आ रही है उसको क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। तो इन्हीं तीन चीजों का ध्यान रखना है, इम्प्रोवाइज, अडेप्ट, ओवरकम, यही टीम विजन का मोटो है फिलहाल। तो देखो आगे चलते हैं, अब क्या बोला है, एवरेज ऑफ नंबर उसने बोले है 8, 10, 12, ऐसे करते करते हम लोग कहां तक गए, 88 तक चले गए। ऐसे करते करते हम लोग कहां तक गए, 88 तक गए। अब उसने बोला है कि सर इसको हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करना, देखो एवरेज इसका कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, पहली और आखिरी को जोड़ो, कब, जब देखो गैप बराबर चल रहा है तो पहली और आखिरी को जोड़ो, 88 और 8 कितने हो गए भाई, 88 और 8 बटा में आ गया 2, 88 और 8 कितने हो गए, 96 बटा 2, यानी कि कितना, 96 बटा 2 कितना हो गया, 48। अब कोई डिवाइड करने मत बैठ जाना, ये 100 में 4 कम है तो 50 में 2 कम होगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है वो सीखते चलो, वो आनी चाहिए। फिर उसने बोला है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 35, फाइंड बिगेस्ट नंबर, फाइंड बिगेस्ट नंबर। उसने बोला है कि 5 एवरेज, 5 कंसेक्यूटिव मतलब क्या है, क्रमागत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है भाई, 35। तो सबसे बड़े वाले नंबर को बताइए, हिंदी मीडियम वाले हैं वो देख लो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है भाई, 35 है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या होगा वो हमें दिखाना है। तो देखो एक तरीका तो क्या होता है, एक तरीका आप लोग इस सवाल को एग्जाम में कैसे करोगे, देखो x x+1, x+2, x+3 बीच, अच्छा इनको जोड़ के हमें 5 से भाग देना ना, x+3, x+4 कितने संख्याएं हो गई भी, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 क्रमागत हो गई। इन सब का औसत कैसे निकालते हैं, बटा 5 किया, वो औसत आ रहा है 35 के बराबर। फिर आप लोग क्या करोगे, x x x मिलके यहां से 5x हो गए, इसको आप इससे गुणा करोगे, इसमें से इसको घटाओगे, फिर आप निकालोगे। कुछ लोग जो कोचिंगों में पढ़े हुए हैं या फिर कुछ ज्यादा जानते हैं वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि साहब ऐसा जब भी होता है तो आप क्या किया करो, 5 नंबर ऐसे लिया करो, x+x+1+x+2 और इधर प्लस x-1 और प्लस x-2, ये नंबर लिया करो, बटा में 5 लो और क्या करो, इधर औसत आ गया 35, ये कर लो। तो ये सब क्या है, ये सब फिर वो इसको दे देते हैं ट्रिक्स का नाम कि ये ट्रिक हो गई, ये हो गई। अब देखो क्या करना है, अब मैं बताता हूँ आपको एग्जाम में इस सवाल को करना क्या है। ये दोनों ही अप्रोच एग्जाम में ये मत लगाना, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट कैसे होगा, देखो अब इसका आंसर कितना है अभी मैं बताऊंगा ना तो आप हंसोगे, अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, हंसोगे। देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी ऑड नंबर, ये यहां पर नंबर ऑड हो तब जो एवरेज है वो बीच की संख्या होती है, बीच की संख्या होती है, मतलब कि क्या, 1, 2, 3, 4 और 5, ये कोई 5 नंबर थे, इनमें एवरेज अगर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स की 35 है, इसका मतलब जो बीच का नंबर है वो कितना है भाई, 35 है। हमें सबसे बड़ा नंबर पूछा था, ये 36 हो गया और ये 37 हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, कॉपी में वो पेन चलाने की जरूरत थी क्या, 35, 35 और 2, 37, आंसर लगाओ, सीधा आगे चलो, कोई ट्रिक नहीं है साहब, सिर्फ बेसिक चल रहा है, पूरा बेसिक, बेसिक बेसिक में आपका पूरा चैप्टर लपेट दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा।
और फिर बोल, फिर आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाओगे, आपको पता चलेगा कि यार ट्रिक्स ऐसे बनती है क्या। अब देखो यहां पर वो बोलता है कि फाइव कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं, फाइव कंजिक्यूटिव ऑड टर्म्स बोला होता, ऑड टर्म्स बोला होता तब आप क्या करते, फाइव कंजिक्यूटिव ऑड टर्म्स बोला होता। ऑड नंबर कौन से होते हैं भाई, आपको पता है ना, एक, तीन, पांच, सात, इस तरीके से ऑड नंबर्स चलते रहते हैं, जो दो से भाग नहीं देते, विभाजित नहीं होते हैं, वो होते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो क्या करना था, ऑड नंबर में आप क्या करोगे, फिर x प्लस फाइव, x प्लस सेवन, ऐसा कुछ लोगे, कुछ नहीं करना। बीच का नंबर कितना है, 35। ऑड नंबर एक आगे चले तो 37 और उससे आगे चले तो कितना, 39। तो ये 39 क्या है, इसका आंसर है, सीधा लगाना है, ज्यादा माथा फोड़ियां नहीं करनी है, जहां पर जरूरत हो वहीं पर खपना है, अपने एफर्ट्स वहीं पर डालो जहां पर जरूरत हो। एग्जाम्स के अंदर क्या होगा, जैसे एसएससी की बात करते तो 25 क्वेश्चंस है, उसमें से 12 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब करेंगे, आपको क्या करना, उन 12 15 को जल्दी करना है, ताकि आप उनमें समय बचाकर लीड ले सको, ताकि बाद वाले जो मुश्किल सवाल है उनमें आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट ज्यादा दे सको। मुश्किल सवाल कुछ नहीं होता, वो बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगाता है और उसमें कंसेप्ट की बातें थोड़ी सी ज्यादा होती है, और उसको आप लोग कह देते हो कि ये मुश्किल सवाल है। तो उन सवालों में क्या होता है, टाइम चाहिए, टाइम कहां से निकालोगे, इन छोटे छोटे सवालों में से बचाकर निकालोगे, और कंसेप्ट में बात करोगे तो सवाल कभी मुश्किल नहीं लगेगा। वो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 21 कंजिक्यूटिव नंबर इज 100। फाइंड बिगेस्ट नंबर, कंजिक्यूटिव इवन नंबर ले लो, क्वेश्चन में इवन है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर, फाइंड द बिगेस्ट नंबर। अब ये बोल रहा है कि इवन नंबर है, कंटिन्यू चल रहे हैं कंजिक्यूटिव, यानी लगातार लगातार चल रहे हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले देख लेना, लगातार, वो 100 है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है हमें, तो क्या करो, देखो एक तरीका तो ये है कि आप वो गधा मजदूरी वाला तरीका अपनाओ। अब 21 नंबर आ गए, वो x x x प्लस वन x माइनस वन कहां तक करोगे, नहीं करना है। देखो क्या करो, 21 संख्याएं है, एक बात बताओ, जब 11 संख्याएं होती है तब बीच का नंबर कौन सा होता है भाई, इधर जितने बीच वाली टर्म, बीच वाली, जैसे एक ये लिया, तीन नंबर तो ये इधर आ गए, पांच नंबर ये ऐसे, सात नंबर ये ऐसे, नौ नंबर ये ऐसे, ग्यारह नंबर ये ऐसे। तो अब देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस और ग्यारह नंबर यहां है। तो देखो इधर पांच छोड़ दो, इधर वाले पांच छोड़ दो, तो बीच में कौन सा टर्म है, छठा टर्म है, ये क्या हो गया, बीच का नंबर हो गया। तो वैसे कि वैसे जब हम 21 की बात करेंगे तब इधर क्या होगा, 10 नंबर आ जाएंगे, और इधर क्या होगा, इधर भी 10 नंबर आ जाएंगे। जब दोनों तरफ 10-10 आ गए तो पीछे बचा एक, वो कौन सा नंबर है, वो 11वां नंबर है। यानी ये सवाल क्या बोल रहा है कि जो 11वां टर्म जो है ना, वो मेरी 100 है। 11वीं टर्म क्या है, 11वीं टर्म मेरी 100 है। अब ये बताओ कि 21 तक जाना है तो कितने जंप लूंगा, 11 तक आया हुआ हूं, 21 तक जाना है, यानी 10 जंप लूंगा। हर जंप के अंदर कितना चल रहा हूं मैं, 2-2 चल रहा हूं, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, इवन नंबर्स की बात हो रही है। तो हर जंप के अंदर मैं 2-2 चल रहा हूं, यहां पर 100 हुए हैं, तो आपने क्या किया, हर जंप में 2 चल रहा हूं, 10 टर्म्स और चलना है, यानी 20, 100 और 20 कितना हो गया, 120। ये कोई ट्रिक है, अरे ट्रिक नहीं है, बेसिक से बन के आया है। अब आप इसको अगर ट्रिक्स का नाम देते हो तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, बाकी आप बीच वाला टर्म उठा लो सीधा, बीच वाला टर्म उठाया, आगे वो जो बचे हुए नंबर है उनको 2 से गुणा किया, सीधा जोड़ा और खत्म, बस सवाल इतना सा था। अब इसके अंदर भी क्या होगा, कुछ लोग जो है वो बोलेंगे कि ये अजीब से सवाल आते हैं, इनको कैसे करें, कैलकुलेटिव नहीं है, आपका तरीका गलत है, आपकी अप्रोच गलत है। अप्रोच सही करोगे तो तरीका इतना बड़ा नहीं लगेगा। अब देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव नंबर इज 80.5। फाइंड स्मॉलेस्ट
फाइंड स्मॉलेस्ट। उसने बोला है कि जो आठ लगातार क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका एवरेज 80.5 है, आप सबसे छोटा नंबर बता दो। अब क्या हुआ, इतनी देर तो सर आपने बताया कि जो बीच का नंबर होता है वो हम निकाल लेंगे, इधर बच गई टर्म इधर बच गई टर्म, तो ये हमारा मामला सेटल हो गया। इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखो कैसे करना है, एक बार मैं बनाकर बता देता हूँ, उसके बाद में एग्जाम अप्रोच क्या होगी वो बता देता हूँ। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें मैं क्या बोलता था कि इधर से जीते छोड़ो, इधर से जीते छोड़ो, बीच वाला बचा हुआ एवरेज। अब इसमें देखो इधर से तीन छोड़ो, इधर से भी तीन छोड़ो, पीछे बचे दो नंबर, इन दोनों का जो एवरेज है वही इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा, क्योंकि सारे संख्याएं क्या है क्रमागत है। तो आप क्या करो, आप क्या करो कि भाई इधर से तीन है, इधर से तीन है, और इनके बीच का नंबर ये है, इनके बीच में कहीं पे आ रहा होगा 80.5। अब एक बात बताओ, ये जो नंबर है ये क्रमागत चल रहे हैं, तो इधर भी 0.5 जुड़ के 81 बन गया और इधर कितना बन गया 80। अरे बात समझ में आई कि 80 और 81 का ही तो एवरेज 80.5 होता है। आपने कहा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, 0.5 ही जोड़ना है, तो देखो हर नंबर एक एक बढ़ रहा है, तभी तो एवरेज 0.5 से बढ़ रहा है। तो क्या करो, ये दो है इसीलिए इनका 0.5 हुआ है, तो आपने क्या किया, यहां पर 81 ले लिया, यहां पर 80 ले लिया, इनका एवरेज देख लेना 80.5 आएगा। अब मुझे स्मॉलेस्ट बताना था, इससे तीन पीछे आ जाओ भाई, 81 का गुणा 80, 78 और 77, तो यहां पर क्या आंसर हो गया 77। तो ये आज की क्लास में ये जो था ये हमने बेसिक बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि भाई ये जो छोटे छोटे सवाल जाते हैं उनको कैसे डील करना है। मैं आपको इनकी पीडीएफ जो है वो चैप्टर के एंड के अंदर एक अपने हाथ से कंपाइल्ड नोट्स की पीडीएफ दे दूंगा, बाकी जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो यहाँ पर लिंक्स आ रहे होंगे अभी, अगर नहीं आ रहे तो वीडियो के जस्ट एंड होने से 5 या 10 सेकंड पहले लिंक्स आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ कॉर्नर पे इस साइड में आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन को आप क्लिक कर देना और वहां से आपने जो पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो देख लेना। जो लोग टेलीग्राम पे मुझसे नहीं जुड़े हैं उनके लिए टेलीग्राम के अंदर डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उधर आप क्लिक करके और डायरेक्ट लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जो वीडियोज आती है उसका लिंक भी मैं वहां पर देता हूँ, और वहां पर जो है जो नोट्स है उसका लिंक मैं यहाँ पर देता हूँ, तो आप किसी भी एक में जुड़ोगे तो आप दोनों से आप कंबाइन हो सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना, आज की वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज, मेहनत करते रहिए।